दुनिया में अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, जिनमें सिख, ईसाई, इस्लाम जैसे कई धर्म शामिल है। इनमें से एक धर्म है सनातन, जो हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है। इस धर्म को मानने वाले लोगों को हिंदू या सनातनी कहा जाता है। शास्त्रों में भी सनातन धर्म का जिक्र मिलता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सनातन धर्म का नाम हिंदू धर्म कैसे पड़ा? क्या है इसके पीछे की रोचक कहानी? सब कुछ जानेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे सनातन की। सनातन, सदा बना रहने वाला, जिसका न आदि है न अंत। दुनिया का सबसे प्राचीनतम धर्म करीब 12,000 वर्ष पुराना है, जबकि कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म 90,000 वर्ष पुराना है। भारत की सिंधु घाटी सभ्यता में सनातन धर्म के कई निशान मिलते हैं। गीता में भी सनातन धर्म का वर्णन मिलता है। गीता के अनुसार, जो छेदा नहीं जाता, जताया नहीं जाता, जो सूखता नहीं, जो गीला नहीं होता, जो स्थान नहीं बदलता, ऐसे रहस्यमय वो सात्विक गुण को तो केवल परमात्मा में ही होते हैं, जो सदा इन दैव्य गुणों से परिपूर्ण हो, वही सनातन कहलाने के योग्य है। अर्थात ईश्वर को ही सनातन कहा गया है। आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी, ये सभी शाश्वत सत्य की श्रेणी में आते हैं। ये अपना रूप बदलते रहते हैं, किंतु समाप्त नहीं होते। प्राण की भी अपनी अवस्थाएं हैं। प्राण, अपान, समान और यम, उसी तरह आत्मा की अवस्थाएं हैं। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरिया। ज्ञानी लोग ब्रह्मा को निर्गुण और सगुण कहते हैं। उक्त सारे वेद तब तक विद्यमान रहते हैं, जब तक कि आत्मा मोक्ष प्राप्त ना कर ले। यही सनातन धर्म का सत्य है। ये तो हुई बात सनातन धर्म के इतिहास की, तो चलिए अब जानते हैं कि सनातन को हिंदू धर्म नाम कैसे मिला। असल में हिंदू नाम विदेशियों द्वारा दिया गया है। जब मध्यकाल में तुर्क और ईरानी भारत आए, तो उन्होंने सिंधु घाटी से प्रवेश किया। सिंधु एक संस्कृत नाम है। उनकी भाषा में 100 शब्द न होने के कारण वह सिंधु कहने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने सिंधु शब्द के उच्चारण के स्थान पर हिंदू कहना शुरू किया। इस तरह से सिंधु का नाम हिंदू हो गया। उन्होंने यहाँ के निवासियों को हिंदू कहना शुरू किया, और इसी तरह हिंदुओं के देश को हिंदुस्तान का नाम मिला, और सनातन धर्म को हिंदू धर्म के नाम से जाना जाने लगा। तो ये थी कहानी सनातन धर्म की। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दें, और इसी तरह की मज़ेदार और रोचक जानकारियों के लिए वन इंडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।